घूमने के लिए लोग पहाड़ों, झरना व ट्रैकिंग वाले डेस्टिनेशन जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको झारखंड के एक ऐसे खूबसूरत ब्रिज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी तस्वीर देखकर आप खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पाओगे। वैसे तो ब्रिज दो रास्तों को आपस में जोड़ता है, लेकिन इनकी खूबसूरती देखकर आप वहाँ पल भर ठहरना चाहोगे और जिन्हें आप बिना पलके झपकाए देर तक देखते रह जाओगे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे लोहरदगा जिला में स्थित 27 नंबर पुल के बारे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैसे लोहरदगा जिले में प्रकृति ने हर ओर अपनी सुंदरता को बिखेर रखा है। इसी में से एक है रेलवे का 27 नंबर पुल, जो लोहरदगा जिले के लोहरदगा चंदवा मुख्य पथ पे स्थित है। यूं तो इस पुल का निर्माण लोहरदगा टोरी रेल लाइन में रेल परिचालन को लेकर किया गया था, परंतु अब यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। वन विभाग ने भी इस स्थान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया है। इसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। यह लोगों को काफी लुभा रहा है। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों का आना होता है। लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यहाँ पर आकर फोटो खिंचाना और यहाँ के दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। यहाँ पर साफ सफाई की भी काफी बेहतर व्यवस्था है। लोहरदगा का यह पर्यटन स्थल काफी तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ सिर्फ लोहरदगा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के अलावा दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 27 नंबर रेलवे पुल में अब तक कई स्थानीय फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों का भी शूटिंग किया जा चुका है। यह बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को भी काफी आकर्षित कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, न्यू ईयर में भी यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जिला पुलिस बल हमेशा तैनात रहती है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। जब भी ट्रेन इस ब्रिज से गुजरती है तो ट्रेन की स्पीड को कम कर दी जाती है, और अगर आप ट्रेन पर हो तो ऊपर से यह दृश्य देखकर आप रोमांचित हो जाओगे। यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन, ऑटो या खुद के व्हीकल से पहुँच सकते हैं। पिकनिक स्पॉट के रूप में यह स्थान जिले के अन्य स्पॉट में शामिल हो गया है। प्रकृति के इस अनुपम खजाने के दीदार के लिए कई लोग इस स्थान पर पहुँचते हैं। लोहरदगा से टोरी रेल लाइन में स्थित यह स्थान कई मायनों में खास है। आसमान की ऊंचाइयों से मुगलदाहा नदी और जलप्रपात को निहारने के लिए दिलों में याद रखने वाली तस्वीर, दूर दूर तक फैली हरियाली, बिखेरते जंगल, गगन को छूते पर्वत और कलकल बहती मुगलदाहा नदी लोगों को काफी आकर्षित करती है। झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण के समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह स्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन जाएगी। सचमुच अपने नाम की तरह मुगलदाहा नदी और आसपास की सुंदरता मुगलों की शान लिए हुए है। देखा जाए तो बरसात के दिनों को छोड़कर पूरे वर्ष यहाँ लोग पहुँचते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस जगह का दीदार करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।